सुबह से आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप किस तरीके से जो है फ़ोनपे बैंक अकाउंट नॉट अवेलेबल, फ़ोनपे बैंक अकाउंट नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो इसे आप कैसे सही कर सकते हो उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चले जाना है यहाँ पर आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है थ्री लाइन्स या थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, फोटो वाला आइकन पर क्लिक करना है, बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एड न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अधिकतर एक प्रॉब्लम देखते हो कि देख सकते हो नो अकाउंट फाउंड लिखा हुआ आ चुका है। नीचे की ओर आप देख सकते हो आपको 48 से 72 आवर्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सही कर सकते हो इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर फोन पे नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम आपके आ रही है तो इसके लिए सबसे पहले ट्रिक तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको फ़ोनपे पर क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर आई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेस पर क्लिक करके क्लियर कैच आपको एक बार कर देना है। दूसरी चीज़ आपको प्ले स्टोर पर जाना है, फ़ोन पर आपको यहाँ पर सर्च करना है। अगर इस तरीके से अपडेट मिल रहा है तो आपको अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सही हो जाती है, अगर फिर भी आपकी सही नहीं होती है तो आपको अपने बैंक अकाउंट में आपको अपने मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपडेट नहीं है तो नहीं होगा, अपडेट आपको करवा देना है बैंक अकाउंट में जाकर, आपका फ़ोन नंबर अपडेट करवा देना है, आपका आराम से हो जाएगा लिंक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चौथी चीज़, अगर आपके सिम में रिचार्ज नहीं है तो सिम पर रिचार्ज भी करवा लेना, फिर आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।